अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग। और 2 दिन की छुट्टी के बाद मैं आ गई हूँ वापस, और मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से तबीयत भी ख़राब थी थोड़ी सी, तो इसलिए 2 दिन की छुट्टी ली, रेस्ट किया, तबीयत को ठीक किया और अब मैं वापस आ गई हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, बना रही हूँ कॉफ़ी पियेंगे, फिर बहुत ढेर सारे काम आज करने के लिए वो करने हैं। तो कॉफ़ी पीने से थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, आप थोड़े से एक्टिव हो जाते हो, और मुझे जब भी इंस्टेंट चाहिए होती है ना अपने अंदर कि मैं एक्टिव हो जाऊँ और दर्द दर्द में काम करना शुरू हो जाऊँ, तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, कभी कभी ब्लैक कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ, तो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। तो अभी दूध बॉयल हो गया है, अब मैं हम इसमें डालेंगे और इंजॉय करेंगे अपने इस कॉफ़ी के एक अदद कप को। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैं कौन सा ब्रांड यूज़ करती हूँ, तो मैं रेगुलर नेस्कैफ़े यूज़ करती हूँ, कोई स्पेशल ब्रांड नहीं है, सिर्फ नेस्कैफ़े का जो रेड लिड वाला आता है क्लासिक, वो यूज़ करती हूँ। और बस आप इसको अच्छे से फेंटें, अच्छे से बनाएं इसकी पेस्ट को, तो आपकी कॉफ़ी भी इसी तरह की ही बनेगी। और आज खाने में जी कुछ नहीं बनने वाला, जो मैंने कल आलू के पराठे बनाए थे उसका बैटर बचा हुआ है, उसके आज हम आलू की टिक्की बना लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो आज दोपहर के खाने में वो आलू की टिक्की जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। तो कॉफ़ी पीते हैं और उसके बाद आलू की टिक्कियाँ जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो ये वो बैटर है जो कि बचा था। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून के करीब भरकर मैदा डाला और इसको अच्छे से मैंने इनकी टिक्कियाँ बना ली। मैदा डालेंगे तो ही इसके ऊपर ये क्रस्ट आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा और उसकी टिक्की बनेगी ही नहीं। तो मैदा डालेंगे तो जितना भी उसके अंदर मॉइस्चर होगा वो मैदा उसको अब्जॉर्ब कर लेगा और उसके ऊपर ये क्रस्ट आ जाएगा। तो ये आलू की टिक्कियाँ आज हम लंच में खाने वाले हैं, साथ में रोटी है, इमली की चटनी है, पुदीने की चटनी है, तो बस इसी के साथ आज का लंच हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जो चीज़ें फ्रिज में पड़ी हों। एक कोशिश क्या करें कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रख लें कि सारे सालन जो बचे हुए होते हैं उनको निकालें और उनको ख़त्म करें। सो जी, अभी बाहर का सीन कुछ इस तरह है, सनसेट हो रहा है, अज़ान हो चुकी है और मैं पूरा दिन खिड़की में आऊँ या ना आऊँ ये मेरा फेवरेट टाइम है। इस टाइम पे मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़रूर यहाँ पे 5-7 मिनट के लिए खड़ी हो जाऊँ, और अक्सर मैं आती हूँ और खड़ी होती हूँ और इस टाइम को इन्जॉय करती हूँ। तो जी, 2-3 छुट्टी करने के बाद मैंने घर का कोई काम नहीं किया, इवन दो कि मैंने कुकिंग भी नहीं की थी, कुछ भी नहीं किया था, फुल रिलैक्स किया था मैंने और चिल किया था, और इसलिए मैं जल्दी रिकवर हो गई हूँ। लेकिन आज बहुत ज़रूरी था कि मैं क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, और पता है आपको कि वीकेंड पे घर साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों ना कोई आ ही जाता आपके घर पे। तो जी, अभी मैं ब्रूम कर चुकी हूँ, मैं मॉप कर रही हूँ, और जो मैं मॉप यूज़ करती हूँ उसका जो स्प्रे है उसने काम करना छोड़ दिया है। 2-2.5 साल तो मैंने उसको यूज़ किया, 2 साल तो किया मैंने। तो जी, अब इसका बीमार होना बनता ही है, तो इसलिए मैंने क्या किया, बाल्टी में पानी लिया है, अब मैं इसके पैड को बार बार निकाल रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ और फिर इसे साफ़ कर रही हूँ। काम ये बराबर कर रहा है, बस ये कि इसके स्प्रे ने काम करना छोड़ दिया। I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, put on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple thousand, put on pizza. तो भी मैं मॉप कर चुकी हूँ, और मॉप करने के बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना कि मुझे चक्कर आ रहा है, वीकनेस हो रही है, क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी और आज मैंने इतना ज़्यादा नॉन स्टॉप काम किया है, 2-2.5 घंटे मैंने काम किया है कि भी मेरे हाथ पांव शिवर कर रहे थे और मुझे चक्कर आना शुरू हो गए थे। तो मैंने पानी लिया और मैं बैठ गई कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और शायद मैं अच्छा फील करूँ। यकीन करें,
कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है। मुझे शादी से पहले काम करने की बिल्कुल भी नहीं आदत थी और शादी के बाद मैंने बहुत काम किए, मतलब घर के काम हर चीज़ मैं उदी करती हूँ। लेकिन कभी कभी आपकी बस हो जाती है, आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है, आप कहते हैं कि बस और नहीं होगा मेरे से। तो आज वो दिन था कि मुझे ऐसा वाकई लगा कि बस मेरे से अब और नहीं होगा। क्योंकि मुझे याद है कि शादी से पहले थोड़ा सा हल्का सा सर भी दर्द होता था ना, तो अम्मी मुझे कहती थी कुछ भी ना करो, बैठ जाओ, लेट जाओ, मेडिसिंस ले लो, और इतनी आपका ख्याल रखता था कोई। और अब कुछ भी कर लो, अभी मुझे खाना भी बनाना है, यकीन करें खाना भी बनाना है। और मैं ये सोच रही थी कि अभी मेरे इतनी मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है कि मेरा कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे खाना बनाना है। ये जो मैंने इतना ज़्यादा मैस हुआ पड़ा है मेरे गिर्द, इसको मैंने सही करना है, क्योंकि कल जुम्मा है तो मेरी थर्सडे को तो क्लीनिंग डन होती ही होती है। तो यकीन करें अभी मैं बैठे यही सोच रही हूँ कि कितना मुश्किल हो जाता है ना कभी कभी आपके लिए, कि आप बीमार भी हो लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तो कभी कभी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत अजीब सा हो जाता है सब कुछ। वो कहते हैं ना शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कवारा। तो मैं शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ, लेकिन फिर भी यार ये जो मेड नहीं है ना, इससे मैं कभी कभी बहुत तंग आ जाती हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से मेड ढूंढ भी रही हूँ, मुझे हाफ़ टाइम वाली मेड चाहिए, मुझे फुल टाइम वाली नहीं चाहिए। और यहाँ पर हाफ़ टाइम वाली नहीं मिलती, बहुत मुश्किलों से मिलती है। और मैं आजकल बल्कि मैं 1-2 महीने से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई ना कोई मेरे एरिया के अंदर ही मिल जाए जिसको आने जाने में भी आसानी हो, लेकिन कोई मिलती ही नहीं है। और जो मिलती हैं वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रही होती हैं। मुझे जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी की एक ख्वाहिश ये होती है कि उनके घर में मेड हो। जैसे पाकिस्तान में कितनी आसानी से आपको हेल्पर मिल जाती है, यहाँ पे जी बहुत मुश्किल है मेड लेना। इट्स लाइक क्या आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, सेम ऐसे ही है जैसे आप बच्चे को लेते हो ना, इसका भी प्रोसीजर सेम वैसा ही है। डॉक्यूमेंटेशन करो, उसका मेडिकल करवाओ, उसकी इंश्योरेंस करवाओ, पता नहीं कितना कुछ करवाओ, और फिर वो आए, उसका दिल ना लगे, वो रोए, और फिर उसको वापस भी भेज दो। तो यहाँ पे फुल टाइम मेड रखना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, और हाफ़ टाइम वाली मेड मिलना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मेड मिल जाए। आप सब दुआ करें कि मुझे मेड मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी हैप्पी हैप्पी हो जाएगी, क्योंकि अब काम नहीं होता यार, अब मैं बहुत थक जाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ होता है ऑलरेडी करने के लिए। तो अभी देखें मैंने खाना भी बना लिया है, रोते धोते जैसे तैसे भी करते खाना बना लिया, बर्तन भी धो लिए हैं, सिंक भी क्लीन कर लिया है, काउंटर भी मैंने क्लीन कर लिया है, सारा काम मेरा डन हो चुका है। तो इसी को कहते हैं जी हंस के करो या रो के करो, करना तो आपको ही है। तो मैंने भी हंस के किया या रो के किया ये तो आपको पता होगा कि बस कर लिया है मैंने काम। चावल मेरे रेडी हो चुके हैं और मुझे चना पुलाव बहुत पसंद है। इवन दो मेरे हस्बैंड को इतना हंस पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार मैं बना ही लेती हूँ, वंस इन अ ब्लू मून ही बनाती हूँ। आप लोग भी देखते होंगे कि बिरयानी ज़्यादा बनती है, इस तरह की चीज़ें कम ही बनती हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है। तो आज बस मुझे था कि मुझे यही खाने हैं, तो आज मैंने ये अपने लिए बनाया है कि मैं तो ये खाने वाली हूँ, और कोई खाए या ना खाए, बनाए सबके लिए, लेकिन मैं तो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाली हूँ। Thank you.
सो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस के मुंह में पानी आया है ये मज़ेदार से राइस देखकर। नीचे ज़रूर बताइएगा क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा व्लॉग देख कर या मेरे खाने देख के उनके मुंह में पानी आ जाता है। अगर आपके मुंह में पानी आया है तो नीचे ज़रूर बताइएगा। तो जी मैं सारे घर के काम करके अच्छे बच्चों की तरह अब मैं खाना लेके अपने कमरे में आ गई हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मेरा दिल था मैं बेड में बैठ के सुकून से टेक लगा कर खाना खाऊँ, साथ में टीवी देखूँ। सो जी दुनिया की सारी टेंशन्स को रखते हैं एक तरफ और इन्जॉय करते हैं खुदा की दी हुई नेमत को, क्योंकि खाने से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है इम्पॉर्टेंट। तो खाना, पानी, हवा, यही होना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खाना खाने लगी हूँ मैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।